मोहतरम हजरात, आज का ये आज़िम शान जिला से आमदस्तर बंदी जो मदरसा दारुल कनान के वसी सहन में मुनक्किद हो रहा है, और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज उनके सरों पर दारुल कुरान अपना ताज रखेगा। और मेरी आज की हाजिरी हाफिज मुबीन साहब और हमारे हरदिल अजीज हाफिज शाह फहद साहब के तवज्जो से मेरी हाजिरी हुई, जो 15-20 रोज पहले उन्होंने मेरी तारीख ली। तो पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी नाज़िम साहब ने हुक्म किया नाते पाक का, तो मैं आपके सामने नाते पाक पेश करता हूं। उसके बाद इंशाल्लाह एक मैंने मदरसे के हवाले से कुछ नज़्म कही, मैं वो भी आपके सामने पेश करूंगा। नाते पाक के चार शेर बतौर खास, अगर शेर अच्छा लग जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। सबात कलब हज़ी का पयाम कह देना, सबात कलब हज़ी का पयाम कह देना, सबात रसूल पाक से मेरा सलाम के, रसूल पाक से मेरा सलाम कह देना, सबात कलब हज़ी का पयाम कह देना। एक बार बोलते मचल तो सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। सबात कलब हज़ी का पयाम कह देना, और ये भी शेर बतौर खास, मदीना जा के मेरा हाल शाह मदीने से, 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 बसद खोलो सुबसद ए तेरा मैं कह देना, बसद खोलो सुबसद ए तेरा मैं कह देना। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। और ये भी चार शेर बसर, मैंने जिस शेर के लिए मैंने मतलब कहा है मैं बतौर खास, एक बार बोलते सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। अकीदत के दिल में, अकीदत के दिल में शमा जल रही है, अकीदत के दिल में, अकीदत के दिल में शमा जल रही है, अकीदत के दिल में, अकीदत के दिल में महकती फजा नूर, महकती फजा नूर,
महकती फजानों में ढल रही है अकीदत के दिल में। मैंने मतलब पढ़ा, मैं वह शेर हाजिर करता हूँ। अगर शाह साहब, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही तो ये शेर बता रखा था। और हाफिज मबीन साहब जलसा बता रहे, खास मुलाजा फरमाए, अकीदत के दिल में छिड़ी है यहाँ शाहे, छिड़े है यहाँ शाहे मदीने की बातें, छिड़े है यहाँ शाहे, छिड़ी है यहाँ, छिड़ी है यहाँ शाहे मदीने की बातें। अदब से यहाँ पर, अदब से यहाँ पर हवा चल रही, हवा चल रही है माशाल्लाह। अब्दुल रज्जाक साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। अकीदत के दिल में शमा जल रही है महकती फजानों में ढल रही है अकीदत के दिल में। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाते पाक के चंद अशआर और बहुत खास मुलाजा फरमाए। जिसके लिए खालिक ने दो आलम को बनाया, जिसके लिए खालिक ने दो आलम को बनाया, जिसके लिए अल्लाह ने तैबा को बसाया, जिसके लिए खालिक ने दो आलम को बनाया, जिसके लिए अल्लाह ने तैबा को बसाया, जिस जाते गिरामी की हर एक बात बड़ी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। बोल दे सुभान अल्लाह। जिसके लिए खालिक ने दो आलम को बनाया, जिसके लिए अल्लाह ने तैबा को बसाया, जिस जाते, जिस जात गिरामी की हर एक बात बड़ी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। और ये भी बंद बता रखा, जो मेहर बहम दर्द है गम खार है सबका, जो दिल पर दिलदार है महबूब है रब का, जो मेहर बहम दर्द है गम हार है सबका, जो दिल पर दिलदार है महबूब है रब का, रहमत की नजर, रहमत की नजर जिसकी अदो पर भी उठी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। और ये बंद बता रहे खास नाज़िम है जलसा, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। यासीन कभी ताहा जिसे कह के पुकारा,
यासीन कभी ताहा जिसे कह के पुकारा, जिस जात मुकद्दस पे है कुरान उतारा। यासीन कभी ताहा जिसे कह के पुकारा, जिस जात मुकद्दस पे है कुरान उतारा। ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, वो जात के उम्मी लकबी है वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है वो, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है वो, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है वो, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। और ये भी बंद बता रखा, एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। आप लोग सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, आप लोग कहेंगे अब मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। एक बार बोल के मचल के सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है वो, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, नबी है। और गांव के साथ ही मक्ते का शेर बतौर कासिम राजा फरमा, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है वो, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ इतने अजीम हस्ती नहीं कोई जमीन पर, हाँ इतने अजीम हस्ती नहीं कोई जमीन पर, मेराज की शब जो की गया अर्श बरे पर। हाँ इतने अजीम हस्ती नहीं कोई जमीन पर, मेराज की शब जो की गया अर्श बरे पर। अबरार की अबरार की जिस जात से हर आस लगी है वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है वो, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है वो, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है वो, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। बहुत शुक्रिया। जाते जाते चार शेर बतौर खास आज हुफ्फाज़े किराम के सर पे आज दस्तार बंदी उनके चार शेर। मैं उन वालिदैन के लिए ये शेर और फिर उसके बाद चार शेर हुफ्फाज़ के लिए। है कितना अजीम उसका मुकद्दर ये न पूछो। हाफिज का मर्तबा क्या है उलमा इकराम से आप जबानी सुनेंगे। मैंने उसको मैंने चार शेर में पिरोया है बतौर खास कि हाफिज का मर्तबा क्या होता है। है कितना अजीम उसका मुकद्दर ये न पूछो, जो आदमी किस्मत से बना हाफिज कुरान। है कितना अजीम उसका मुकद्दर ये न पूछो, जो आदमी किस्मत से बना हाफिज कुरान। अल्लाह की, अल्लाह की मर्जी से वो दस लोगों को अपने, अल्लाह की मर्जी से वो दस लोगों को अपने जन्नत की तरफ लेके चला हाफिज कुरान। जन्नत की तरफ लेके चला हाफिज कुरान। जन्नत की तरफ लेके चला हाफिज कुरान। बहुत बहुत शुक्रिया।